इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और एल्कीन की स्टेबिलिटी आप किससे देखते हो, तो एक कॉमन फैक्ट हमने आपको बताया था पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, ए आर एच आई, जिसमें ए एरोमेटिसिटी, आर रेजोनेंस एंड एच हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहां अभी हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एल्कीन की स्टेबिलिटी किससे देखी जाएगी, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से। रेजोनेंस से आप सभी परिचित हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कॉन्जुगेट सिस्टम, पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाए, तो सामान्य रूप से हम इसको रेजोनेंस समझते हैं। इसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन और सैक्रिफाइशियल रेजोनेंस क्या है, साइमल्टेनियस डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब इस दिए गए एग्जाम्पल में क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है, दूसरे में भी एक ही पाई बॉन्ड है, टोटल कार्बन के एटम सेम हैं, तो फिर हम आसानी से डिसाइड कर लेते हैं कि यहां जो हमको फैक्ट देखना है वो क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल का कार्बन अल्फा और उस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। यहां ए में दो अल्फा हाइड्रोजन अटैच होंगे, बी में हम देखें तो दो अल्फा कार्बन होंगे, अल्फा एंड अल्फा डैश, और इनसे टोटल सिक्स अल्फा हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो यहां टू अल्फा एच और यहां सिक्स अल्फा एच, इसका मतलब बी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, और अगर ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, तो ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा हो जाएगा।